भूतिया हॉस्पिटल। बहुत समय पहले किसी शहर में एक हॉस्पिटल हुआ करता था। असल में ये एक भूतिया हॉस्पिटल था, जहाँ के डॉक्टर और नर्सें सभी भूत थे। वो हॉस्पिटल में आने वाले पेशेंट का इलाज करने के बहाने उन्हें ऑपरेशन थिएटर में ले जाते और फिर उन्हें मारकर उनका दिल खा जाते। आपने इन्हें हॉस्पिटल लाकर बहुत अच्छा किया। अब आप चिंता मत कीजिए, डॉक्टर साहब इनका अच्छे से इलाज करेंगे। ये कहकर वार्ड बॉय जख्मी आदमी को स्ट्रेचर पर अंदर ले गया। लेकिन कुछ समय बाद वार्ड बॉय वापस आया और बोला, माफ करना, जिस आदमी को आप लाए थे वो नहीं बच सका। लेकिन उसको तो बस पैर पर चोट आई थी। पैर पर चोट लगने से कैसे कोई मर सकता है? पता नहीं, लेकिन डॉक्टर ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की थी। वार्ड बॉय की बात सुनकर वो दोनों आदमी वहां से चले गए और वार्ड बॉय अंदर ऑपरेशन थिएटर में आ गया। डॉक्टर साहब, मैंने उन आदमियों को भेज दिया है, अब हम आराम से इस आदमी को खा सकते हैं। बस ऐसे ही लोग हमारे पास इलाज के लिए आते रहे और हम उनका दिल खाकर रोज पार्टी करते रहे। बहुत महीनों तक ऐसे ही चलता रहा। फिर एक दिन मोहित नाम का आदमी अपने पिताजी को लेकर हॉस्पिटल आया। डॉक्टर साहब, मेरे पिताजी के सीने में दर्द हो रहा है, आप जल्दी से इनका इलाज कर दीजिए। लगता है इनका जल्द से जल्द ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन? लेकिन इनके सीने में तो मामूली सा दर्द है। सीने का कोई भी दर्द मामूली नहीं होता। आप यही इंतजार कीजिए, मैं अभी इन्हें ऑपरेशन थिएटर ले जाकर इनका इलाज करता हूँ। वार्ड बॉय और डॉक्टर मोहित के पिताजी को ऑपरेशन थिएटर ले गए। फिर कुछ देर बाद डॉक्टर और वार्ड बॉय मोहित के पास आए और बोले, माफ कीजिएगा, हम आपके पिताजी को नहीं बचा सके। क्या? लेकिन उन्हें तो मामूली सा दर्द था। मैंने आपसे पहले भी कहा था, सीने का कोई भी दर्द मामूली नहीं होता। मोहित अपने पिताजी की लाश लेकर घर लौट आया, लेकिन उसे डॉक्टर की बात कुछ हजम नहीं हो रही थी। दाल में जरूर कुछ काला है, मेरे पिताजी ऐसे नहीं मर सकते। मैं इस रहस्य का पता लगा कर ही रहूंगा। ये सोचकर वो अगले दिन हॉस्पिटल पहुंचा और चुपके से ऑपरेशन थिएटर में छुप गया। अब देखता हूँ ये डॉक्टर कैसे ऑपरेशन करता है। कुछ देर बाद डॉक्टर, नर्सेस और वार्ड बॉय एक पेशेंट के साथ ऑपरेशन थिएटर में आए। चलो इसका इलाज शुरू करते हैं। डॉक्टर के ऐसा कहते ही सभी अपने भूतिया रूप में आ गए। ये देख कर मोहित डर से कांपने लगा। ये सब तो भूत है। चलो जल्दी से इसका दिल निकालते हैं। मजा आ गया। मुझे इंसानों का दिल बहुत स्वादिष्ट लगता है। थोड़ा हमें भी खिलाइए डॉक्टर साहब। लो तुम भी खाओ और तुम भी लो। भूतों को इंसानी दिल खाते देख मोहित को उल्टी आ गई और भूतों ने उसे देख लिया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझसे गलती हो गई, मैं यहाँ गलती से आ गया, मुझे जाने दो। ठीक है, चले जाओ, बस अपना दिल हमें दे जाओ। अगर तुम मुझे जाने दोगे तो मैं एक दिल के बदले कल तुम्हें दो दिल ला कर दूंगा। क्या, दो दिल? हाँ, मैं कल दो इंसानों को तुम्हारे लिए लेकर आऊंगा। एक के बदले दो, ठीक है, लेकिन याद रखना, अगर तुम कल नहीं आए तो। नहीं नहीं, मैं कल जरूर आऊंगा। ऐसा कहकर मोहित अपनी जान बचाकर भूतिया हॉस्पिटल से निकल आया। आज तो बच गया, लेकिन कल इन भूतों के लिए मैं दो आदमी कहाँ से लाऊंगा? वो ये सोचता हुआ अपने घर की तरफ जा रहा था, तभी उसने सामने दीवार पर लिखा देखा, बंगाली तांत्रिक किसी भी तरह के भूत प्रेत के इलाज के लिए संपर्क करें, एक बार इस तांत्रिक से मिलकर देखता हूँ। मोहित तांत्रिक के पास गया और उसने तांत्रिक को सारी बात बताई। चिंता मत कर बेटा,
तेरी चिंता आज से मेरी हुई। अब देख मैं उन भूतों का क्या करता हूँ। अगले दिन मोहित भूतिया हॉस्पिटल पहुँचा। तुमने तो कहा था तुम दो इंसान लेकर आओगे, बताओ कहाँ है दो इंसान? जल्दी बताओ, हमें बहुत जोर से भूख लग रही है। जल्दी बताओ, भूख लगी है। दो इंसान नहीं, मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ताकतवर तांत्रिक लाया हूँ। तो तुम हो वो चारों भूत? तांत्रिक, तुमने मेरे साथ चीटिंग की है। चीटिंग तो तुम लोगों के साथ करते हो, इलाज का बहाना बनाकर उनका दिल खाते हो। अब तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा मिलेगी। तभी तांत्रिक ने एक बहुत ताकतवर मंत्र पढ़ा। अंत्र मंत्र तंत्र, चारों भूत बोतल में बंद। तांत्रिक के ऐसा कहते ही चारों भूत तांत्रिक की बोतल में आ गए। इस तरह एक तांत्रिक की मदद से मोहित ने अपने पिताजी की मौत का बदला लिया और उन चारों भूतों को पकड़ाकर भूतिया हॉस्पिटल को भी हमेशा के लिए बंद कर दिया। भूतिया टैक्सी। बहुत समय पहले किसी शहर में अभिषेक नाम का एक मासूम आदमी रहता था। अभिषेक एक बहुत बड़े व्यापारी के यहाँ ड्राइवर का काम करता था। एक दिन वो अपने मालिक को गाड़ी में बैठा कर कहीं ले जा रहा था, तभी गाड़ी पेड़ से जाकर टकरा गई। ये तूने क्या किया? तूने मेरी CMW गाड़ी ठोक दी। तू जानता है ये कितनी महंगी आती है? मैं तुझे अभी नौकरी से निकालता हूँ। ये कहकर मालिक गाड़ी लेकर वहाँ से चला गया। अचानक नौकरी चले जाने पर अभिषेक बहुत दुखी हुआ। वो वहीं उसी पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगा। इतने सालों में पहली बार मुझसे कोई एक्सीडेंट हुआ था और मालिक ने बिना मेरी बात सुने मुझे नौकरी से निकाल दिया। तभी उसे एक डरावनी आवाज आई। नीचे आदमी, ऊपर भूत, वाह काली रात, बहुत खूब। ये सुनकर अभिषेक डर गया। कौन है? कौन है? किसकी आवाज है ये? सामने आओ। काली रात का काला साया, तुमने बुलाया, भूत चला आया। भूत? तो पीपल के पेड़ से भूत नहीं तो क्या आम टपकेंगे? मुझे जाने दो, मैंने ध्यान नहीं दिया कि ये पीपल का पेड़ है। मुझे पता होता तो मैं कभी इस पीपल के पेड़ के नीचे नहीं बैठता। ये इंसान मुझे मासूम सा लगता है, क्यों ना इसका फायदा उठाया जाए। पीपल के भूत का कर्ज चुकाओ, मर जाओ या मददगार बन जाओ। क्या मतलब? मतलब ये कि या तो मैं तुम्हें अभी खा जाऊं या फिर हम एक दूसरे के मददगार बन जाएं। तुम मेरी मदद करो और मैं तुम्हारी मदद करूं। वो कैसे? मैंने सुना है तुम्हें तुम्हारे मालिक ने नौकरी से निकाल दिया, तो मैं तुम्हें नौकरी दिला देता हूँ और इसके बदले में तुम मेरी भूख मिटाओगे। लेकिन मुझे तो गाड़ी चलाने के अलावा कुछ नहीं आता। ठीक है, तो मैं तुम्हारी टैक्सी बन जाता हूँ। तुम सारा दिन टैक्सी चलाकर पैसे कमाना और हर रात मैं एक सवारी खाऊंगा। मैं ये नहीं कर सकता। ठीक है, तो मैं तुम्हें अभी खा लेता हूँ। मैं ये कहाँ फंस गया? मुझे इसे हाँ कहना ही पड़ेगा, नहीं तो ये मुझे अभी खा जाएगा। ठीक है, मुझे मंजूर है। अब तुम चलाओगे भूतिया टैक्सी
और मैं खाऊंगा सवारियां। अगले दिन से अभिषेक भूतिया टैक्सी चलाने लगा। अब वो सारा दिन सवारियों से पैसे कमाता और रात होने पर आखिरी सवारी को एक सुनसान सड़क पर ले जाता। क्या हुआ, तुमने इस सुनसान सड़क पर टैक्सी क्यों रोक दी? माफ करना बहन जी, लेकिन अब मेरी टैक्सी का खाने का टाइम हो गया है। क्या मतलब? मतलब ये कि अब मैं तुम्हें खाऊंगा। अचानक भूतिया टैक्सी अपने असली भूत वाले रूप में आ गई और भूत ने उसे खा लिया। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए। फिर एक रात एक आदमी टैक्सी के पास आया और बोला, भाई साहब, क्या आप मुझे घर छोड़ देंगे? जी जरूर, आइए टैक्सी में बैठ जाइए। कुछ आगे जाकर अभिषेक ने गाड़ी रोक दी। आपने गाड़ी क्यों रोक दी? माफ करना भाई साहब, लेकिन अब मेरी टैक्सी का खाने का टाइम हो गया है। क्या मतलब? मतलब ये कि अब मैं तुम्हें खाऊंगा। तुम हंस क्यों रहे हो? वो इसलिए कि तुमने खुद मेरे सामने आकर मेरा काम आसान कर दिया। बहुत दिनों पहले मुझे एक भूतिया टैक्सी की खबर मिली थी, तब से मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। लेकिन मैं भूत हूँ, मैं तुम्हें खाऊंगा। और मैं भूत हंटर हूँ, मैं तुम्हें मार दूंगा। भूत हंटर सुनते ही भूत डर के मारे कांपने लगा। भूत हंटर, प्लीज मुझे जाने दो, मैं अब किसी इंसान को नहीं खाऊंगा। लेकिन भूत हंटर ने उसकी बिल्कुल नहीं सुनी। उसने भूत पर एक ताकतवर मंत्र मारा। भूतिया टैक्सी सवारियां खाए भूतिया टैक्सी, भूतिया टैक्सी, भूतिया टैक्सी, गायब हो जाए भूतिया टैक्सी। भूत हंटर के ऐसा कहते ही भूत गायब हो गया। तभी अचानक अभिषेक जोर जोर से रोने लगा। मुझे माफ कर दो भूत हंटर, उस भूत ने कहा था कि अगर मैं उसकी बात नहीं मानूंगा तो वो मुझे खा जाएगा। मैं जानता हूँ ये भूत बहुत चालाक होते हैं, इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, तुम जा सकते हो। इस तरह भूत हंटर ने भूतिया टैक्सी का रहस्य खत्म किया और अभिषेक को भी उस भूत के जाल से छुड़ाया।